Hi everyone, welcome back to my new vlog. I hope you all are doing fine. तो आज का vlog कुछ ऐसा है कि आज है यहाँ पर संडे और हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को लंच पर बुलाया है और मैं बनाने वाली हूँ आज सांभर डोसा और उसके साथ दो टाइप की चटनी, कोकोनट चटनी एंड टोमेटो वाली चटनी. और साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं खीर बना लूँ क्योंकि उन लोगों में शायद पायसम बनता है, तो मैं खीर बना रही हूँ. सबसे बड़ी रिस्क पता मैंने क्या लिया, जिनको हमने बुलाया ना वो खुद टिपिकल साउथ इंडियंस हैं सारे के सारे. तो आज मेरी ऑलमोस्ट मान के चलिए परीक्षा है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ, कैसा डोसा बनाती हूँ, उन लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि मे भी उन लोगों का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा और हम लोगों का तरीका अलग है. सो एनी वे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अभी क्या क्या तैयारी कर ली. अभी यहाँ पर बज रहा है सुबह का 10, तो मैं उठ गई थी अभी 9 बजे. मैंने चावल और उड़द की दाल वो रात पे भिगो के रख दी थी और मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट. ये देखिए ये जो है ये मैंने बैटर बना लिया है और ये इसमें थोड़ा खमीर उठाने के लिए जब तक मतलब 1 बजे तक आएंगे तो 2-3 घंटे में इसमें अच्छा खमीर उठ जाएगा. यहाँ दूध के पैकेट्स हैं, यहाँ पे ये इस टाइप के पैकेट्स आते हैं, लाइक 4 लीटर से 3 पैकेट्स आते हैं. तो मैं 2 पैकेट दूध से खीर बनाने वाली हूँ. यहाँ पर मैंने मसाले के लिए आलू रख दिया है. यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली खीर बनाने की और ये मैंने यहाँ पे चावल गला दिया है खीर का. तो बस अब बनाऊंगी. और हाँ, मतलब जो सांभर है, सांभर का ऐसा सीन है कि है ना, सब्जियाँ तो ऑलमोस्ट सारी रखी है बट एक दो सब्जियाँ नहीं है, जैसे लौकी नहीं है, ड्रमस्टिक नहीं है. ड्रमस्टिक आई गेस पता नहीं, यहाँ पे वॉलमार्ट में तो नहीं थी, फ्रेशको में भी मुझे पिछली बार तो नहीं दिखी थी. मैं ब्रैम्पटन गई थी तो ब्रैम्पटन में मैंने ज़रूर देखी थी, बट देखते हैं, लेट्स होप अगर मिल जाएगी तो और अच्छा टेस्ट आ जाएगा सांभर में. बट एनीवे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बाकी की जितनी सब्जियां हैं वो डाल के मैं सांभर बना लूँगी. सो एनीवेज ऊपर से पता है क्या है, ऊपर से कुकर भी छोटा है और लोग ज़्यादा हैं, मतलब 6-7 तो फ्रेंड्स आ रहे हैं उसके साथ. हमारे यहाँ पर हम लोग रहते हैं जितने, तो हम 6-7 लोग हैं, तो मतलब 12-13 लोगों के लिए मैं सांभर डोसा बना रही हूँ. तो लेट्स होप कि मैं बहुत अच्छा बनाऊँ, सबको पसंद आए. एनीवे हम लोग छोटी छोटी पार्टीज करते रहते हैं, मतलब एवरी वीकेंड हम फ्रेंड्स को बुलाते रहते हैं और मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि अब मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. एक टाइम था मैं किचन में ना पैर भी नहीं रखती थी, जब मैं अपने मायके में थी मम्मी कहती थी बेटा मेरा नाम खराब करेगी, कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो. लिटरली मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ रोटी बनाने के, आलू के पराठे बनाने, मतलब पराठा रोटी इन सब में मैं शुरू से एक्सपर्ट हूँ. बट जैसे सब्जी में सब्जी बनाती थी तो ये होता था पानी अलग हो जाता था, मसाला अलग हो जाता था, सब्जी अलग हो जाती थी, तो मुझे बड़ा टेंशन था. बट फिर ठीक है, मम्मी ने भी मेरी कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पे जिम्मेदारी आएगी, जब तुम्हें ससुराल में बनाना पड़ेगा तो तुम सीख जाओगी. और सेम टू सेम सासू माँ का भी कहना था. तो फिर बस शादी हुई, ससुराल गए, ससुराल जाके सारी चीज़ें सीख गए. मतलब आज अगर मैं सबको बताती हूँ ना कि ये सिर्फ मैंने 10 मंथ में सीखा है पूरा कुकिंग, तो एवरीवन शॉक्ड कि अरे तुम्हें पहले नहीं आता था. मैं बोलती नहीं, मुझे पहले नहीं आता था. एंड ऊपर वाले की दया से स्वाद भी अच्छा आ जाता है, जो चीज़ बनाते हैं उसी का स्वाद आ जाता है. और अभी हमको फ्रेशको जाना पड़ेगा एक बार और उसके लिए मुझे आदि को उठाना पड़ेगा क्योंकि आदि अभी भी सो रहे हैं, संडे है. तो अभी थोड़ी देर बाद आदि को उठाऊंगी, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ. सो ओके, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद जब ये चीज़ें रेडी होगी या फिर मेकिंग में. सो ओके, स्टे ट्यून्ड. ओके गाइस, तो मेरी हो गई है प्रिपरेशन. ये आलू का मसाला बनाने के लिए आलू छिल लिए हैं, उसके लिए थोड़े से प्याज, और यहाँ पे सांभर के लिए सब्जी कट हो गई है. अभी मैं बैगन बाद में काटूंगी क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं, और अभी आधे गए हैं वॉलमार्ट तो वहाँ से वो लौकी लेकर आएंगे. बाकी ये यहाँ पे मैंने लाल चटनी की प्रिपरेशन कर ली है, इसको ठंडा कर रही हूँ. खीर ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हुई है, अभी मेरे हिसाब से नहीं हुई, अभी इसको और अच्छे से करना है. ये देखिए अभी तो नहाना भी है. ओके एंड अभी बस फटाफट से ये वाला काम कर लेती हूँ, सब बना लिया, प्रिपरेशन हो गई है. सांभर तो ऐसा है कि वो चढ़ा दूंगी और तुरंत उसमें लग जाएगा छौंक, और डोसा तो गरम गरम ही बनाना है. तो फिर बस उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी आगे हॉल की, और थोड़ा सा ऐसे सब लगा रहे, तो उसके बाद बस नहा धो के और हम रेडी हो जाएंगे. फिर जब वो लोग आएंगे तब बनाएंगे फिर ऑन द स्पॉट. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. देखो यहाँ प्रैक्टिस चल रही है डोसा बनाने की. मिशेल यहाँ से चुपचाप गेट आउट. और ये चेड़ रही है. पहले उत्पम बना दिया यार. पहले किसने ऑयल डाला? अब ये हमने दूध.
इतना मोटा नहीं नहीं कोई नहीं जाओ भाभी जी मेन्यू अरे दे दो बेचारा कैसे खड़ा है दे दो बनाए हैं मैं बनाऊं पक्का दो इस ये बनाएगा अच्छा वाला मैं अच्छा दो तो बनाता हूं ये क्या है बैठ जाऊं ये यही खाएगा पहले क्या डालते पहले डालता नहीं है पहले बार कैसे डोसा बनाया जाता है बताइए पहले बस ऐसे ही बैटर डालते उसके बाद बढ़ जाते हो जाता है ये तवा कौन सा मुझे पता भी नहीं तवा बड़ा चाहिए और थोड़ा हैवी चाहिए ना हां हैवी चाहिए हम इंडिया से यही लेकर आए हैं नॉर्मल सा भी चलेगा यहाँ से जो मिलता है डोसा इज लाइक थिन थिनेस्ट एक्सप्रेशन डोसा खा के एक्सप्रेशन अभी अनुपा बना रही हैं डोसा अभी फिर मैं बनाऊंगी I'm helping मैं ना No, you are not helping, you are like making No, I'm helping She's kind of bit more busy than we expected I was planning to make pulao That's why I just soaked the rice and अनुपास डोसा अनुपास डोसा अनुपास डोसा सेंटर तू भी बैठ जा रोहित टेस्ट करो बताओ कैसा है किसको नहीं मिला सबको मिला है एक नंबर इन केरला How's the dosa? बढ़िया बढ़िया. In Malayali. In Malayali. In Malayalam. विषय. अड़िबोले. विषय. अड़िबोले. अड़िबोले अड़िबोले. अड़िबोले. This is your dosa, Michelle. You made this dosa. ये निकट तो नहीं दिख रहा. ये जो मैं बना रहा हूँ. Yes, वही है. जो तुम बनाया ना वही है. अरे ये काम करने देखना ये कैमरा देखते ही ना काम करने लग गया है यहाँ पे ये देखिए अच्छा कैमरा देखते ही काम करने लग गए फूफा जी रोहित इज लाइक शादी में जो खड़े होते ना फूफा जी जो सारे व्यवस्था देखते बस वैसे ही खड़े होते हैं काम स्लो चल रहा है मैडम अच्छा हमारे पास प्रॉपर मोटापा कम करना है डोसे का तो मैंने दो बार कुकर में ना आलू वो उबाले और दो कुकर में सांभर के लिए सब्जियां और बात करते ഞങ്ങളവിടെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചുപോയി സാധനം എടുത്തോണ്ട് എന്താണ് എടുക്കാൻ
थक गए ना संजय, संजय तो उधर बैठ खाना खाने चलो। गाइस हम ना और बेटर बना रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा डेसे का बेट जो है वो कम पड़ रहा है, तो बस आई एम मेकिंग मोर बेटर। हां 2 किलो हमको पड़ा हो गया, बाद में बताते हैं। आड़ो किलो हमको खाने चाहिए, ये अभी इंस्टेंट मैंने पुलाव के लिए बनाए थे, हमको साइन दिया पति का। अच्छा सारा सेव ही है, मम्मी पापा दिक्कत नहीं है, मैं कुछ मतलब वो बंदर जैसा लगे। अब बोल दो। हाँ तो क्यों मान रहे हो मिशेल, बताओ क्या भाभी क्या बताओ क्यों मान रहे हो बर्तन? क्योंकि घर पे ऐसे बचपन से करके आते हैं। क्या तो मेहमान भी जाओगे तो கேக்கணும் मंजूरी सब कुछ हमने इनसे करा लिए, बहुत सारे डोसे सिखवा लिए हैं, अब ये खा रहे हैं अच्छे से। यलगार साहब चाय पिला दोगे सब खत्म हो जाए, वो भी पिला देंगे हम। आप तो बताओ कि कैसा है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऑर्गेनिक होममेड। ऑर्गेनिक नहीं मतलब कि वो कैसा, मतलब जो अपना कंपटीशन था उस कंपटीशन में कौन जीता ये बता दो बस, बाकी सब मैं समझ जाऊंगी। अभी तो आप भी फिक्र रहो, आगे आने वाले डोसा में शायद लूज कर दो। नहीं सही है, उससे अच्छा है। आधी भूख लग गई ना आपको तो? तो चालू कर मेरे साथ ही खाना खा लो। तो फाइनली मेरे नहाने का टाइम आ गया है और मैंने ऐसी बासी के बासी रह कर सब मेहमानों को खाना खिला दिया क्योंकि बहुत गलत है। अभी मसाला भी कम पड़ गया था, डो भी कम पड़ गया, तो यलगार साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं। आलू हमने वो कर दिए, तो आलू थोड़े से कच्चे रह गए थे तो यलगार साहब ने हाथ से पूरे पका दिए हैं। और बस अभी मैं, मेरे पति देव और एक और फ्रेंड आ रहा है, बस हम बचे हैं, बाकी ऊपर के दो तीन लोग जो ऊपर रहते हैं वो लोग बचे हैं, तो बस उनका वेट कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले कहाँ हैं? डिविन को फोन किया ना आपने? हाँ, पर वो डिविन फोन नहीं उठा, सो रहा होगा शायद। ओके, आधी भूख लग गई आपको? लग रही है ना? टमाटर की चटनी बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो चटनी खत्म हो गई है और अभी संजू ने टेक ओवर कर लिया है डोसा, तो ही इज मेकिंग डोसा। सबसे इंट्रोड्यूस तो करवाना आदि सभी लोग इंट्रोड्यूस। ओके, शी इज अनुपा, she make dosas in starting. This is Sanjay. Yeah, this is Sanjay. He is Rohit. This is Rohit. Yeah. Kanapi. Yeah. Kanapi. And he is my brother from another mother. He is my friend. He is my brother Michelle. She is. मैं pronounce नहीं कर पाती हूँ. आद्रा. आद्रा, ओके, आद्रा। तो
और अभी बाहर बाहर जाके आप करवा दो ना, मेरे यहाँ पे तेल चल रहे हैं तो तुम बताओगे ना सब। हाँ तो अभी गाइस तो मेरा नहा के हो गया है, मैं फिर से अपने काम में लग गई हूँ जैसे कि आपने देखा। और आज ना बहुत ही सनी डे हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। इस खूबसूरत मौसम में मेरे पति उनमें साथ में है। सही बात है, ठंडी लग रही है। और ठंड लग रही है पति को। और ये देखिए मौसम कितना सुंदर है। और आज गाड़ियों की बहार है हमारे घर के सामने। ये हमारी UFO, ये हमारी अलगार साहब की टेस्ला, उसके बाद वो अखिल की है ना, वो फक वो अखिल की है, वो पता नहीं किसकी है। और सामने जितनी सारी गाड़ी है वो सबकी ही गाड़ी है। व्हाट? Volkswagen GT। ओके, सो यू आर आल्सो गोइंग विद हिम? व्हाई? यू विल बी बैक, राइट? या Yes. I'll be back. I don't know about So how you're gonna come back? He'll drop me. I'll pick you up. No, anyway, so why he's going? Right. You're not going with us outside. He has to start his shift. So he'll be there. Sure. Yeah, he'll be there. If not, then. If not, then. See you guys. It's okay. It's cold. He will stand some part. Really? Yeah. Okay. Every you, Sunday, like we hope, like. Sure, sure. If you are in North Bay, if you are in North Bay, you will always. He's feeling make, cold. Yeah. Okay. Okay. Bye. Bye. Okay. Bye, bye guys. Bye. 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 Here? What? Where is the dosa? आदि कैसा है? सही बताओ। व्हाट इज शी? इट्स हॉट। बस जुकुजी का कोई फायदा नहीं लिया गया। कैसा है सांबर? So this is so खीर भी शादी के एक सारा बात ओके गाइस, तो अभी हमारा फटाफट से प्लान बना है बाहर जाने का, और हम लोग बस जा रहे हैं फोटोशूट करने के लिए। तो अब देखते कितने कितने लोग आते हैं। सबसे बोल तो दिया है, हम 6-1 लोग तो चल दिए हैं, और बस निकल रहे हैं हम लोग फोटोशूट के लिए। सनसेट पार्क हम बोल रहे हैं, बाकी फिर देखते हैं कहाँ जाना है। इसलिए तो जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ, चलो अपन जल्दी चलते हैं। ओके, तो अभी आदि की बात हुई अपने फ्रेंड लोगों से। आदि कब आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं, सब निकल गए। ओके, एंड हम दोनों के पास ना ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा कुछ है, ज्यादा कुछ क्या, कुछ भी कपड़े नहीं ना अपने पास, एक जैसे हमें बस ट्रेनिंग के लिए एक भी कपड़े नहीं है। फिर भी हमारे पास ये थोड़ी नियॉन कलर की हुडीज थी दोनों के पास, तो हमने पहन लिए। और कल भी हमने फोटोशूट करवाया था, हम कल जसली ने हमारे फोटोज खींचे थे और वो मैंने उसको किया था अपलोड, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लिटरली बहुत अजीब फोटोज थी। तो आज भी हम लोग वहीं जा रहे हैं, बाकी आज और भी लोग हैं तो सब लोग मिलके फोटो खिंचाएंगे। और साइड में गाड़ी चल रही है संजू की। ये संजय, गैस का लिड खुला हुआ है, लिड मतलब हल्का सा हो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारी लोकेशन पे, और जो हमारे साथ साइड में संजू की गाड़ी थी ना, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि वो मोड़ना ही भूल गया, वो सीधे आगे चला गया। और ये हम आ गए सनसेट पार्क, और बस अभी पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी। चार्ज से निकालती हूँ अपना फोन। टोपा लगाना पड़ेगा ना? लगा लो तो अच्छा है, टोपा लगाना ही पड़ेगा। झंडा भी लगा दिया इंडिया का। ओके गाइस, तो ये है सनसेट पॉइंट, सनसेट पार्क। वाव, सो ब्यूटीफुल। ओके गाइस, तो अभी हमने कर लिया थोड़ा बहुत फोटो शूट, और हमारे साथ जो दूसरे लोग थे वो लोग उधर है लेक पे, वो लोग ड्रोन शॉट ले रहे हैं। हम लोग को तो अब ठंड लग गई, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये है पूरा फ्रोजन लेक। ये जो गाड़ी चल रही है ना, कार, ये पूरा फ्रोजन लेक है।
ये देखिए यहाँ पे पूरे शेक लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं, आइस फिशिंग। और ये देखिए कितना सुंदर माहौल हो रहा है, क्या मज़ेदार। समर में भी इस साइड में पूरा लेक है, फ्रोजन फ्रोज हो गया है। अब समर में आपको मैं दिखाऊंगी ये पूरा, समर में पूरा पूरा दिखाऊंगी, तब तो आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे अभी पूरी बर्फ है। उस समय बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा ये पूरा यहाँ पे एटमोसफियर और ये पूरी प्लेस। ओके सभी जाते हैं, बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, विंटर जैकेट ग्लव्स सब कुछ पहनने के बाद भी सबसे अच्छा है, मेरे ग्लव्स बहुत अच्छे आदि ने मुझे दिए हैं, जब मुझे शूट करना था मैं ऐसे कर लेती हूँ, और जब ठंड लगे आपको तो आप इसको फिर से पहन सकते हो इस टाइप से। ओके गाइस, तो हम वापस जा रहे हैं हमारे घर। अच्छा मेरे को लगा कि बाहर की सनलाइट है तो ठीक है आ रही होगी लाइट, बट एनीवे तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। आदि का हेडेक होने लगा, मेरा भी थोड़ा हेडेक होने लगा है बिकॉज ऑफ स्नो, एंड बस अभी घर जाके देखते हैं क्या करना है। अब थोड़ा आराम करेंगे, सुबह से काम में लगे हुए थे, खाया पिया ठीक है, चलो मज़े किए अच्छे से। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहो मैंने के साथ, और नेक्स्ट व्लॉग तक इंतज़ार करिए।